गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों अब हमारे इस यूनिट में केवल दो टॉपिक रहे हैं, प्लांट प्रोपेगेशन और जो इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं हम लोग फार्मिंग में, वो इम्प्लीमेंट्स रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्लांट प्रोपेगेशन क्या होता है। प्लांट प्रोपेगेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट बाय अ मैन इन ऑर्डर टू परप्यूरेट्स अ सेलेक्टेड इंडिविजुअल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज हैविंग स्पेसिफिक वैल्यू टू हिम। कि हम प्लांट प्रोपेगेशन में क्या कर रहे हैं, मेनली कि एक सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसको प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोपेगेशन दो तरीके से होता है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल रहे हैं। सेक्सुअल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग सीड्स। जब हम प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन सीड्स को यूज करते हुए करते हैं डैट इज सेक्सुअल प्रोपेगेशन। इसके क्या एडवांटेज होते हैं, ये ईजी होता है, चीप मेथड होता है, दे आर हार्डी फॉर एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन। ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन भी हम आराम से इसको ग्रो कर पाते हैं। इंसेक्ट पेशेंट डिजीज विद डीप रूट सिस्टम, क्योंकि इनका डीप रूट सिस्टम होता है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी होती है, पेस्ट कंट्रोल पावर भी रहती है। ठीक है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन लीड टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और सेक्सुअल प्रोपेगेशन में थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी डेवलप्ड होती है। इट इज़ असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी, जो कि नई वेराइटी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। द पॉली एम्ब्रियोनिक फिनोमन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मोर देन वन सीडलिंग कह रहा है। पॉली एम्ब्रियोनिक बच्चों क्या होता है, नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि एक सीड में एक ही एम्ब्रियो रहता है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा किसी भी रीजन से एम्ब्रियो बन जाते हैं तो बहुत सारे सीडलिंग फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सीड, एक सिंगल सीड से। ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक सीडलिंग विच कुड बी यूज एज अ रूट स्टॉक फॉर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया मैंगो वेराइटी, सिट्रस एंड जामुन। ठीक है, फिर आते हैं साउथ इंडिया की वैरायटी बता रही है, मैंगो वैरायटी में भी हमने करा है, सिट्रस में करा है, जामुन में किया है। फिर आते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक फिनोमन। सीड प्रोपेगेशन इज नेसेसरी विद व्हेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अनसक्सेसफुल। सीड प्रोपेगेशन बहुत अच्छा होता है जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। और एक्सपेंसिव एग्जाम्पल पपाया, कोकोनट, फालसा एंड आर्का नट्स। रूट स्टॉक आर यूजुअली रेज्ड बाय सीड्स। रूट स्टॉक जो होता है वो किससे बढ़ रहा है, सीड से फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, रंगपुर लाइम एंड जामबेरी फॉर सिट्रस। व्हेन सीडलिंग इज रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, जब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सीड प्रोपेगेशन इज द ओनली ईजी मीन्स। सीड प्रोपेगेशन उसका ईजी मीन्स होता है। ड्राई लैंड फूड्स एंड फॉरेस्ट स्पीसीज इससे ग्रो कराई जाती हैं। व्हेन प्रोजेनी आर नॉट ट्रू टाइप, प्रोजेनी ट्रू टाइप की नहीं होती है, एंड सो दे बिकम इन्फीरियर बिकॉज इन द कमर्शियल ऑर्चार्ड इट इज़ नेसेसरी टू हैव यूनिफॉर्म क्वालिटी ग्रोथ एंड यील्डिंग। क्या कह रहा है कि प्रोजेनी इसकी ट्रू टाइप की नहीं है, तो उसको ग्रो कराने के लिए कमर्शियली उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और यील्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल प्रोपेगेशन कराया जाता है। चॉइस ट्री और एनी हाइब्रिड ट्री कैन नॉट बी परप्यूरेटेड ट्रू टू टाइप बाय सीड्स। बहुत सारे हाइब्रिड्स जो होते हैं, ट्री या चॉइस ट्री जो होते हैं, वो हम किससे नहीं ले पा रहे हैं, कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड ट्रू टू टाइप ऑफ ट्री, उसकी टाइप ऑफ वो सीड से नहीं ले पा रहे हैं। सीडलिंग हैज़ अ लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड, सीडलिंग उसका लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड होता है। इन क्रॉप लाइक सिट्रस, कोका, रबर, द सीड्स मस्ट बी सोन अफ्रेश दैट इज इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। एक सिंपल सा बता रहा है बच्चों, जब सीड की सोइंग करी हमने लैंड में, तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ स्टेम और लीफ आ जाती है, दैट इज सीडलिंग। इसे हम सीडलिंग नाम दे रहे हैं। उसी के बारे में बता रहा है कि वो उसका स्टार्टिंग स्टेज है, इसे जुवेनाइल्स पीरियड कहते हैं। ठीक है, मैनी वेराइटी आर सीडलेस, काफ़ी सारी वेराइटी जो होती हैं सीडलेस होती हैं, तो वो सीडलिंग के थ्रू ग्रो की जाती है। सीड्स लॉसेस इट्स वाइबिलिटी इन शॉर्ट पीरियड, ये हमें पता है, मैंने वाइबिलिटी बोला था, उसके लाइव रहने का टाइम पीरियड जो होता है या लाइव रहने की कैपेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। सीडेड प्लांट स्टार्ट बियरिंग लेट, सीडेड प्लांट जो होते हैं वो लेट बियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं किसके करेक्टरिस्टिक फीचर थे, सेक्सुअल प्रोपेगेशन के बच्चों। अब आते हैं हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन प्लांट में। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द मल्टीप्लिकेशन एंड परप्यूरेशंस
ऑफ एनी प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट. वहाँ हमने क्या लिया था, सीड्स के थ्रू ग्रो करवाया था. या हम सीड्स ना लेके क्या ले रहे हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, उससे हम नेक्स्ट जनरेशन को जब ग्रो करवा रहे हैं, डैट इज एसेक्सुअल प्रोपगेशन. इसके क्या एडवांटेज हैं बच्चों, द प्रोजेनी आर थ्रू टू टाइप. प्रोजेनी ट्रू होती है लाइक मदर प्लांट कि जैसी ही दिखती है, कॉपी होती है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द ओनली ऑल्ट्रेशन वेयर नो सीड्स इज फॉर्म. वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम वहीं करते हैं जहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. और जर्मिनेशन ऑफ सीड इज वेरी स्लो, और सीड जर्मिनेशन बहुत कम है. और नो वाइबल सीड इज फॉर्म, किसी भी तरह के वाइबल सीड्स फॉर्म नहीं होते हैं. बनाना, पाइनएप्पल, रोजेस, सीडलेस ग्रेप्स. सर्टेन रूट स्टॉक हैज द कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टिंग और टॉलरेटिंग द एडवर्स एनवायरमेंट. सर्टेन रूट स्टॉक जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है रेजिस्टेंस पावर की, रेजिस्टेंस पावर की कैपेबिलिटी है, टॉलरेटिंग पावर होती है एडवर्स एनवायरमेंट के अगेंस्ट. जो भी एडवर्स एनवायरमेंट होता है उसके अगेंस्ट उनके पास टॉलरेंस पावर रहती है. ठीक है, फैक्टर सच एज फ्रॉस्ट हो गया, अब बता रहा है कौन सी कंडीशंस होती हैं फ्रॉस्ट की कंडीशन, एडवर्स सॉइल फैक्टर लाइक सैलिनिटी, एल्किनिटी एक्सेट्रा, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, फॉन सीरस, ट्राइफोलिएट जो है हमने बनाया है, ट्राइफोलिएट औरंगा औरंगी रंगपुर लाइन, द एबिलिटी ऑफ सर्टेन रूट स्टॉक. काफ़ी सारे रूट स्टॉक जो हमने लिए हैं, रूट का पार्ट लेना रूट स्टॉक की कहला रहा है बच्चों एक तरह से. उनके पास क्या एबिलिटी होती है, तो रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस पावर भी होती है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी होती है. ठीक है, एंड एप्पल व्हेन ग्राफ्टेड, एप्पल को जब हम ग्राफ्ट करते हैं ऑन रूट स्टॉक लाइक मार्टोन 778793 इज रेजिस्टेंस फॉर होली एफिड्स. ये क्या कह रहा है, एप्पल की ग्राफ्टिंग की जाती है, उससे पहले इस रूट स्टॉक में जब उसे डाल रहे हैं तो उसमें इस एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर आ जाती है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट आर जनरली ड्वार्फिड इन नेचर, ड्वार्फ्ड इन नेचर होते हैं देन द सीडलिंग. ड्वार्फ ट्री फैसिलिटेड परन्यूइंग स्प्रेइंग एंड हार्वेस्टिंग ईजी सीडलिंग, ईजी सीडलिंग होना स्टार्ट हो जाता है. ड्वार्फ ट्री फैसिलिटेड प्रूनिंग स्प्रेइंग हार्वेस्टिंग ईजी, ईजीली हो जाते हैं ये सब. और मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ यूनिट एरिया, कम एक यूनिट एरिया में बहुत सारे हमें प्लांट्स मिल जाते हैं. टू रीप्लांट एन अनडिजायरेबल एग्जिस्टिंग ट्री, अब कह रहा है कि और किस जगह करते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्री पे हमें नए प्लांट को ग्रो करना है, आइदर विद रेफरेंस ऑफ इट्स क्वालिटी और सब्सिटिबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, कि उसी क्वालिटी का हमें प्लांट ग्रो करना है, डिजीज रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस पावर उसमें होनी चाहिए. द डिफेक्ट कैन बी ओवरकम इजीली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू, इस डिफेक्ट को हम कैसे कर सकते हैं ओवरकम, ग्राफ्टिंग बडिंग ऑफ डिजायर सेक्शन सॉरी सियॉन्स टू द एग्जिस्टेंस ट्री बाय क्रॉप वर्किंग टेक्निक. मैनी प्लांट आर प्रोपिगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स, बहुत सारे प्लांट वेजिटेटिव मीन्स में ग्रो कराए जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पैडी ईजी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नॉवल्टी कैन बी डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग, नॉवल्टी जो होती है वो ग्राफ्टिंग से डेवलप की जाती है. और बडिंग ऑन सिंगल प्लांट मैनी वेराइटी, एग्जाम्पल रॉजेज की बात कर रहे हैं. टू कन्वर्ट इन्फीरियर वेराइटी इन सुपीरियर साइड ग्राफ्टिंग इन मैंगो, हमें क्या करना है, इन्फीरियर वेराइटी को कन्वर्ट करना है सुपीरियर में, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं मैंगो की. तो ये बहुत सारी एडवांटेज हैं जिसके लिए हम एसेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं. फिर आते हैं डिसएडवांटेज भी होती हैं बेटा काफ़ी सारी चीज़ों की. प्लांट इज नॉट विग्रस एंड लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव नहीं होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. नो व्यू वेराइटी आर इवॉल्व और डेवलप्ड, दीज मैथड आर एक्सपेंसिव, ये मैथड एक्सपेंसिव होते हैं, लग्जीरियस होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. कौन कौन से मेथड लेते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है, जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम उसकी किसी भी टहनी को नीचे दबा के मिट्टी में दबा देते हैं, तो जिस टहनी को मैंने मिट्टी में दबाया वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो जाता है. तो जब उसे मेन प्लांट से हटा देते हैं तो उस जगह पर नया प्लांट ग्रो हो जाता है, डैट इज़ लेयरिंग. इसके बहुत सारे मैथड हैं, सिंपल मैंने लेयरिंग आपको बताई है. लेयरिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन अ स्टेम वाइल इट इज़ स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, वो पेरेंट प्लांट से अटैच है उस कंडीशन में उनमें नीचे की तरफ रूटिंग होना. द रूटेड स्टेम इज देन डिटैच टू बिकम अ न्यू प्लांट, रूटेड प्लांट में जैसे ही नीचे रूटिंग हुई उसे मेन प्लांट से अलग कर दिया हमने ऑन इट्स ओन रूट. दस रूटेड स्टेम इज नॉन एज लेयर, उस रूटेड स्टेम को हमने क्या नाम दिया, लेयर नाम दिया. मैथड ऑफ लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, टिप लेयरिंग. सिंपल लेयरिंग ही बच्चों देखो जो मैंने बोला है, सिंपल है. एक ब्रांच बेंट हुई टू द ग्राउंड, सम पोर्शन ऑफ इट इट कवर्ड बाय द सॉयल, वो सॉयल से कवर हो गई है, उस जगह पे नीचे की रूट निकल गई और ऊपर की तरफ स्टेम आ गया. ये देखो
ठीक है, डैट इज सिंपल लेयरिंग। फिर आती हूँ बच्चों में टिप लेयरिंग पे। हमने वहाँ पे ब्रांच को इस तरीके से कराया तो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे हम सीधे टिप को इसके अंदर डाल रहे हैं। डालने से नीचे की तरफ रूटिंग हो गई है, तो इसे मेन प्लांट से यहाँ से कट कर देते हैं और ऊपर की तरफ रूट आ जाती है, डैट इज टिप लेयरिंग। इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, टिप लेयरिंग नाम दे रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों कंपाउंड लेयरिंग या सरपेंटिंग लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग का मतलब क्या है, एक ब्रांच ली मैंने और उसको पहले यूं बहुत ज़्यादा लेयर बना के, ये जो जो पोर्शन इसका नीचे की तरफ आ रहा है उस पोर्शन पे रूट का डेवलपमेंट होता है, मेन प्लांट से उसको कट कर दिया जाता है और एक ही स्टेम से हमें बहुत सारे प्लांट का यहाँ पे मिल जाते हैं। दिस वर्क ये वाला जो है सबसे अच्छी रहती है, जो मैंने आपको बताई कंपाउंड लेयरिंग। बहुत सारा है तुम्हें क्लियर हो गया है, मेनली कंपाउंड लेयरिंग किसमें की जाती है, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी में की जाती है। फिर आ रहे हैं बच्चों माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग। माउंड लेयरिंग और स्टूलिंग में क्या कह रहा है, इन दिस मेथड अ प्लांट इज कट बैक एट द ग्राउंड। हमने इसे क्या करा, ग्राउंड से कट कर दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द डॉर्मेंट सीजन, डॉर्मेंट सीजन में, और सॉइल इज कवर्ड एट द बेस ऑफ द न्यूली डेवलपिंग सूट। हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे कट लगा दिया और यहाँ पे पूरा ऊपर तक, ये बहुत सारी सूट्स दिख रही हैं आपको, यहाँ ऊपर तक उसे ढक दिया है। अब क्या होगा, इन सूट से रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इनको मेन प्लांट से जब अलग करेंगे हर स्टेम को, तो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। आफ्टर अलाइंग सफिशियंट टाइम फॉर रूट इनिशिएशन द रूटेड सूट आर सेपरेटेड एंड टेक एज इंडिविजुअल लेयरिंग। क्लियर होगी बात, ये मोल्ड माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग जिसको हमने नाम दिया। फिर आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं बच्चों, जो ब्रांच पे होती है ना स्टेम, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं चारों तरफ से किसी चीज़ से, ताकि उसमें रूटिंग हो जाए ब्रांच में। देखो ये अलग अलग तरीके बता रखे हैं जिससे उसको हमने बांध रखा है, मैं बताती हूँ। इन एयर लेयरिंग रूट फ्रॉम एन एयर सोर्स, यानी जो एयर में होते हैं वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एयर लेयरिंग कहलाता है। द रूटिंग मीडियम विल बी टाइड टू द सूट, रूटिंग मीडियम को हमने उस जगह सूट पे बांध दिया। गेटिंग रूट इनिशिएशन, बेस्ट रूटिंग मीडियम फॉर एयर लेयरिंग इज स्फैगम। बस इतना ध्यान रखो बेस्ट मीडियम कौन सा है, स्फैगम, जो कि एक तरह का मॉस होता है, एज इट होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो एज टू सप्लाई मॉइस्चर टू द लेयर सूट टिल प्रॉपर रूट इनिशिएशन टेक प्लेस। सिट्रस, पोमग्रेनेट, फिग और ग्वावा में ये किया जाता है। बात समझ गए, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्टेम है उसके चारों तरफ मॉसेस लगाया और उसको चारों तरफ से ऐसे बांध दिया, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, न्यूट्रिएंट्स थे, तो उस जगह पे रूटिंग हो जाती है और फिर इस प्लांट के पार्ट को काट के और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये हो गया एयर लेयरिंग। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों कटिंग पे। लेयरिंग हमारा मेथड हमें क्लियर हो गया एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का। कटिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इन विच पोर्शन ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट सच एज स्टेम, लीफ एंड रूट इज कट फ्रॉम द पैरेंट प्लांट एंड प्लेस अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन टू फॉर्म रूट सूट दस प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। यानी वहाँ से कट किया, उसको क्या कर दिया, किसमें मीडियम, प्रॉपर मीडियम यदि उसे प्रोवाइड कराया तो उसमें नए प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। स्टेम कटिंग की बात आ गया, नाम से समझ आ रहा है कि स्टेम की कटिंग करके फिर वर्क कर रहे हैं, तो स्टेम रूटिंग कटिंग कहलाता है वो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कटिंग एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑफ टाइप बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द वुड। वुड के नेचर पर हमने तीन तरह की स्टेम कटिंग बताई है यहाँ पे, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हार्डवुड कटिंग पे, ग्रैप्स और पोमग्रेनेट्स, फिग हो गया, मालबेरी हो गया, सॉरी मलबेरी, अकेल्पा, रोज, बोगनविलिया, इनमें क्या आता है, दिस इज लास्ट एक्सपेंसिव एंड ईजीएस्ट मेथड। हार्डवुड कटिंग आर नॉट रैपिडली पेरिसेबल एंड मे बी सिफ्टेड सेफली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको हम वर्क कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। द कटिंग यूजुअली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डॉर्मेंट सीजन, डॉर्मेंट सीजन में कटिंग की जाती है एंड फ्रॉम द वुड ऑफ द प्रीवियस सीजन ग्रोथ, प्रीवियस सीजन ग्रोथ से, ठीक है। लेंथ लगभग कितनी कट की जाती है स्टेम की, 20 to 25 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 0.5 to 1 सेंटीमीटर। सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या होती है बच्चों, पोमग्रेनेट फिग में की जाती है। द कटिंग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ सूट जस्ट आफ्टर द फ्लस ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ होने के जस्ट बाद, वहाँ तो हमने डॉर्मेंट सीजन के बाद, यहाँ पे ग्रोथ होने के जस्ट बाद जब हमने क्या करी है, कटिंग करी है, तो वो क्या कहलाती है, सेमी हार्ड वुड कटिंग। इसमें लेंथ वही रहती है 20 to 25 सेंटीमीटर, थिकनेस भी वही है 0.5 to 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग जो है बिगोनिया में होती है, काफ़ी सारे इसने प्लांट बता रखे हैं। दीज टाइप ऑफ कटिंग आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सकुलेंट हर्बेसियस ग्रीन प्लांट, हर्बेसियस ग्रीन प्लांट में होती है सच एज कार्नेशन,
पॉटुलेसिस एक्सेट्रा दीज कटिंग आर ऑलवेज मेड विद लीफ. इसमें लीफ को भी साथ में हम ले रहे हैं अटैच टू द स्टेम. फिर आते हैं लीफ कटिंग. नाम से समझ आ रहा है लीफ को कट करके जब हम वर्क करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कटिंग द लीफ ब्लाइंड सम टाइम विद पिट्योल. उसकी पिट्योल लीफ के साथ उसका जो नीचे वाला जो होता है जिसे हम पकड़ रहे हैं डेट इज़ पिट्योल. उसे पिट्योल बोलते हैं. इज यूटिलाइज इन स्टार्टिंग अ न्यू प्लांट. इन मोस्ट केसेस एडवेंटिशियस रूट एंड एडवेंटिशियस सूट डेवलप एट द लीफ बेस. लीफ बेस पे एडवेंटिशियस रूट और सूट का डेवलपमेंट हो जाता है. द फ्लोइंग आर वेरियस टाइप ऑफ लीफ कटिंग. लीफ ब्लेड कटिंग. लीफ ब्लेड क्या है. द लॉन्ग टैपरिंग लीफ इन टू 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 थ्री पीसेज आर इंसर्टेड इन टू सैंड. हमने क्या करा, दो से तीन लीव्स जिसके पास थी उसको सैंड में इंसर्ट कर दिया. आफ्टर सम टाइम न्यू लीव फ्रॉम एट द बेस ऑफ द पीस. नई लीफ का डेवलपमेंट हो जाता है. लीफ वेन्स कटिंग. इन दिस टाइप कटिंग न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द लीफ वेन. लीफ की वेन्स जो होती हैं, लीफ है उसमें जो हमें लाइनें दिखाई देती हैं वो उसकी वेन्स होती हैं, उनसे नए प्लांट का डेवलपमेंट बता रहा है लीफ वेन कटिंग. लीफ मार्जिन. मार्जिन जो होते हैं उसके साइड वाले जो मार्जिन होते हैं उनसे. ठीक है. इन दिस केस न्यू प्लांट अराइजेज फ्रॉम फोलियर एम्ब्रियोज इन द नॉचेज एट द लीफ मार्जिन. लीफ बड कटिंग. दिस टाइप ऑफ कटिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड होना चाहिए उसके पास. पिट्योल होना चाहिए. शॉर्ट पीस ऑफ स्टेम यानी सब कुछ होना चाहिए उसके पास. विच विद द अटैचिंग एक्सिलरी बड. ठीक है. तो ये हो गया आपका लीफ कटिंग. फिर आते हैं रूट कटिंग पे. रूट कटिंग क्या होते हैं बच्चों. रूट कटिंग क्या होती है. इन प्रिपेयरिंग रूट कटिंग द पीरियड व्हेन द प्लांट इज इन रैपिड ग्रोथ. जब प्लांट रैपिड ग्रोथ की स्टेज में होता है उस समय कटिंग की जाती है. ग्रोथ मस्ट बी मस्ट बी अवॉइडेड. उस समय अवॉइड की जाती है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द करेक्ट पॉलिरिटी व्हेन प्लांटिंग द रूट कटिंग. ग्वावा लीची पल्म इन सब में ये किया जाता है. टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन पे आते हैं. ये हो गया हमारा कंप्लीट लेयरिंग एंड कटिंग. टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन क्या है बच्चों. इस टेक्निक में हमें क्या करना है, प्लांट का कोई भी पार्ट लेना है, उसे एक पर्टिकुलर मीडियम में डालना है और वहाँ पे उसकी ग्रोथ होना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन कहलाता है. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स टिश्यू ऑर्गन होल ऑर्गेनिज्म इन विट्रो में होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करना ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम मैंने बोला लैब में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स को लेके वाटर में डिजॉल्व करके रखते हैं और फिर उसके अंदर उस टिश्यू को डालना और ग्रो कराना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर प्रोपिगेशन कहलाता है. ठीक है. मीडियम अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल कंडीशन. इट इज़ रैपिड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. इट रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल मैथड ऑफ द प्रोपिगेशन. कन्वेंशनल मैथड को इसने रिप्लेस किया है. द मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल एंड अदर डिजायरेबल प्लांट बाई टिश्यू कल्चर टेक्निक इज नॉन एज माइक्रो प्रोपिगेशन. कि हमने इससे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा है तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, माइक्रो प्रोपिगेशन या क्लोनल प्रोपिगेशन नाम दिया है. और प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक. अब बता रहा है कि क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स का कलेक्शन यूज टू मेंटेन एंड ग्रो प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन. प्लांट की कोई सेल ले ली, उसका टिश्यू ले लिया या ऑर्गन ले लिया अंडर स्टराइल कंडीशन. स्टराइल का मतलब होता है कोई भी माइक्रोब्स उस पर नहीं होने चाहिए, प्रॉपर स्टराइल कंडीशन होनी चाहिए ऑन अ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया ऑफ नॉन कंपोजिशन. प्लांट टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द प्लांट इन अ मैथड नॉन अ माइक्रो प्रोपिगेशन. क्लियर हो गया बच्चों ये पूरा हमारा टॉपिक प्लांट प्रोपिगेशन का. ठीक है. अब आते हैं, मैंने बोला था आपको कुछ फार्म इम्प्लीमेंट्स बच्चों हम लोग पढ़ेंगे. कौन कौन से बता रहा है ये. एक दिया है इसने पिक एक्स. पिक एक्स क्या होता है, द पॉइंटेड एज हमें दिख रही है इसकी. इज मोस्ट ऑफन यूज टू ब्रेक अप रॉकी सब्सटेंस. रॉकी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है और अदर हार्ड सर्फेस सच एज कंक्रीट एंड 100 ड्राइड अर्थ. द लार्ज मोमेंटम ऑफ अ हैवी पिक एक्स ऑन अ स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया मेक इट वेरी इफेक्टिव फॉर दिस पर्पज. द चिसेल्ड एंड इफ प्रेजेंट इज यूज फॉर पर्पज इंक्लूडिंग कटिंग थ्रू रूट्स. बात समझ में आ गई. बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेस की को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है पिक एक्सेस का. फिर आता है प्रॉन्ग्ड होज क्या होते हैं, डिजाइन फॉर वीडिंग एंड फोरोइंग. वीडिंग एंड फोरोइंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं प्रॉन्ग्ड हो. स्पैड क्या होती हैं, दिख रही हैं हमें स्पैड्स. इट इज़ अ डिगिंग रूट्स. ये डिगिंग रूट्स होती हैं. इन फार्म अ स्पैड इज हार्ड टूल यूज टू डिग. उसको
खोदने के लिए और लूजन ग्राउंड को लूज करने के लिए, और टू ब्रेक अप लम्ब्स इन द सॉइल, सॉइल्स के लम्ब्स को तोड़ने के लिए होती है। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्क। फॉर्क हमें दिख रहा है, इट इज़ यूज टू डिगिंग के लिए, होइंग के लिए और कंपोस्ट हैंडलिंग के लिए किया जाता है इसका यूज। फिर आते हैं बच्चों हम हो कम फॉक पे। हो कम फॉक दिख रही है हमें कैसी होती है, इट इज़ यूज फॉर डिगिंग, ये भी डिगिंग, होइंग, अर्थिंग, लेवलिंग, कलेक्टिंग वीड्स, वीड्स को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है सॉविल। सॉविल क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेसिंग डग आउट सॉइल को प्लेस करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए क्या होता है, सॉविल होता है। फिर आते हैं गार्डन रैक। गार्डन रैक दिख रही है हमें किस तरह की है, इट इज़ ब्रोन फॉर आउटसाइड यूजेज, अ हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ टूथित बार फिक्स्ड ट्रांसवर्डली टू अ हैंडल एंड यूज टू कलेक्ट, क्या लेने के लिए इसको यूज किया जाता है, लीफ, हे, ग्रासेस एक्सेट्रा इन द गार्डन, गार्डनिंग फॉर लूजिंग द सॉइल, सॉइल को लूजिंग करने में भी इसको यूज करते हैं, लाइट वीडिंग के लिए, लेवलिंग के लिए, रिमूविंग डेड ग्रासेस को हटाने के लिए फ्रॉम लोन्स एंड जनरली फॉर द पर्पज परफॉर्म इन एग्रीकल्चर बाय द हुरो। ट्रॉवल, ट्रॉवल क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग अप अर्थ, अर्थ को ब्रेक करने के लिए ट्रॉवल की यूजिंग की जाती है, डिगिंग स्मॉल होल्स बनाने के लिए, स्पेशली फॉर प्लांटिंग एंड वीडिंग, मिक्सिंग इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर एडिटिव्स एंड ट्रांसफरिंग प्लांट्स टू पॉट में प्लांट को ट्रांसफर करने के लिए। हैंड लेवलर क्या होता है बच्चों, इट इज़ यूज इन स्मॉल बेड में इसको यूज किया जाता है, एंड नर्सरी फॉर लेवलिंग करने के लिए लैंड को, एंड कवरिंग द सीड्स आफ्टर सोइंग, और सीड को कवर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द अप्लाइड मैन्योर, इसलिए और ये और क्यों यूज किया जाता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाइड मैन्योर की, ठीक है। एक्सेस क्या होता है, इट इज यूज फॉर फिलिंग ट्री एंड कटिंग ब्रांचेज, ट्री की फिलिंग के लिए और ब्रांचेज को कट करने के लिए एक्स यूज किए जाते हैं। फिर आता है बिलहुक। बिलहुक दिख रहा है हमें कैसा है, द बिलहुक इज अ ट्रेडिशनल कटिंग टूल्स यूज वाइडली इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं, एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दोनों में यूज किया जाता है, फॉर कटिंग स्मॉलर वुडी मटीरियल सच एज सर्ब्स एंड ब्रांचेज, एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिकल। इट इज़ वेरी कॉमन इन द वाइन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की कंट्रीज में ये कॉमन होता है। बडिंग्स एंड ग्राफ्टिंग नाइफ, इट इज़ नाइफ हैविंग कम्बाइंड ब्लेड फॉर बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, क्या कह रहा है, ये इस तरह का नाइफ होता है, इसमें नाइफ लगा हुआ है ब्लेड के साथ, ये बता रहा है यहाँ पे। इट इज़ नाइफ हैविंग कम्बाइंड ब्लेड्स, इसके पास कम्बाइंड ब्लेड है किसके लिए, फॉर बडिंग के लिए और ग्राफ्टिंग के लिए। इट इज़ सर्व बोथ द पर्पज बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों बडिंग नाइफ, उसमें तो दोनों तरह का काम हो रहा था, अब एक बडिंग नाइफ अलग से भी आता है। इन दिस नाइफ द एपेक्स ऑफ द ब्लेड इज स्लाइटली कर्व्ड, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसीजन फॉर इंसर्टिंग बड, बड को इंसर्ट करने के लिए इंसीजन किया जाता है ऑन रूट स्टॉक। इन सम नाइफ्स इन रेयर साइड ब्रास ब्लेड इज प्रूव्ड, इट इज टर्म्ड एज बूडर, द ब्लेड इज यूज फॉर ओपनिंग बार्क ऑफ रूट स्टॉक फॉर प्लेसिंग बड। फिर आता है प्रूनिंग नाइफ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर कटिंग स्मॉल रूट फॉर प्रूनिंग, स्मॉल रूट को कट करने के लिए। ग्राफ्टिंग नाइफ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सीसन सूट, डिफॉलिएशन सीसन सूट एंड मेकिंग इंसीजन ऑन रूट स्टॉक, रूट स्टॉक में इंसीजन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेक्चर्स क्या होते हैं, सेक्चर्स इट इज़ यूज इन प्रूनिंग फॉर कटिंग ट्विंग की प्रूनिंग करने के लिए एंड सूट के लिए। फिर आता है हेज सीयर क्या है, इट इज़ यूज प्रूनिंग हेज टू मेंटेन देम इन प्रॉपर शेप में बनाने के लिए उनको यूज किया जाता है हेज सीयर। फिर आता है प्रूनिंग सॉ क्या है, इन प्रूनिंग सॉ इज नॉर्मल मेड आउट ऑफ मीडियम लेंथ ब्लेड इसमें दिख रही है हमें, विच इज आइदर स्ट्रेट भी होती है और कर्व्ड भी होती है, अटैच टू स्केयर से ये हैंडल से अटैच है, एट टाइम द हैंडल इज ऑल्सो कवर्ड सो दैट इट अलाउ बेटर एंगल फॉर कटिंग कर्व्ड थिक ब्रांचेज को कटिंग किया, ये बेटर होता है एंगल। नाउडेज प्रूनिंग सॉ हैव वेरी शार्प ब्लेड, प्रूनिंग में बहुत शार्प ब्लेड की रिक्वायरमेंट रहती है, सो डैट यू कैन कट थ्रू लार्ज ब्रांचेज वेरी इजीली, कि हम लार्ज ब्रांचेज को बहुत इजीली कट कर सकते हैं। प्रूनिंग सॉ आर यूज मेनली फॉर ट्री और इवन सॉ थिक बुसेस, हम प्रूनिंग सॉ जो होते हैं नॉर्मली यूज किए जाते हैं फॉर मेनली ट्री के लिए और इवन टफ
थिक बुशेस के लिए यूज किया जाता है प्रूनिंग शॉक. फिर आता है ग्रास सीयर, इट इज़ यूज फॉर यूनिफॉर्म कटिंग, यूनिफॉर्म कटिंग के लिए यूज में लिया जाता है ग्रास सीयर्स. ठीक है, ऑफ ग्रासेस इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साइड ड्रेसिंग, साइड की ड्रेसिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है लॉन ग्रासेस की एंड कटिंग अंडर सूट. नेक्स्ट आते हैं ट्री प्रूनर. ट्री प्रूनर क्या होते हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रूनिंग ट्री इन विच द हाइयर ब्रांचेज रिमेन आउट ऑफ रीच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. जो ब्रांचेज ग्राउंड लेवल तक आ जाती हैं उनकी प्रूनिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है. फ्लावर सीजर, फ्लावर सीजर जो होती है इट इज यूज फॉर कटिंग फ्लावर एंड रिमूविंग फ्लावर पार्ट, फ्लावर पार्ट को रिमूव करने के लिए. लूपिंग सीयर, लूपिंग सीयर क्या है, इट इज़ यूज फॉर प्रूनिंग ट्री फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से प्रूनिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है लूपिंग सीयर. ड्यू टू लॉन्ग हैंडल फॉर ऑपरेटर कैन प्रून द ट्री फ्रॉम ग्राउंड लेवल विच कैन नॉट बी प्रून्ड अदरवाइज विथ सिंपल हैच सीयर. स्ट्रेट ब्लेड हैंड होक, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है स्ट्रेट ब्लेड हैंड होक द रो ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट खुरपी, सिंपल हम लोग घर में भी काफ़ी होती है, नॉर्मली सिंपल घर में गार्डनिंग में भी यूज करते हैं. अ खुरपा इज अ शॉर्ट हैंडल कटिंग टूल विद अ फ्लैट ब्लेड यूज फॉर डिगिंग सॉइल, सॉइल को डिगिंग की डिगिंग करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, स्मॉल गार्बेज एंड वेजिटेबल फार्म. इट इज कॉमनली यूज इन स्मॉल फार्म और इन रिजेज और रो ऑफ वेजिटेबल टू होइंग ऑन और अर्थ अप द वीड्स. पुश पुल वीडर, पुश पुल वीडर क्या है बच्चों, इट इज़ यूज फॉर वीडिंग इन द फील्ड इन द लाइन शो क्रॉप. ठीक है, नेक्स्ट है डच हो. डच हो क्या होता है, इट इज़ वर्क सिमिलर टू स्ट्रेट ब्लेड हैंड हो. ए डच हो जो है स्ट्रेट ब्लेड हैंड हो की तरह है. हैंड कल्टिवेटर क्या होता है, हैंड कल्टिवेटर इज अ गार्डनिंग टूल डैट इज़ यूज टू टर्न द सॉयल वेयर यू प्लान ऑन प्लांटिंग और फॉर रिमूविंग वीड्स. हैंड कल्टिवेटर जो होते हैं एक तरह का गार्डनिंग टूल होता है. ये गार्डनिंग टूल क्या कर रहा है, क्यों यूज किया जाता है, टू टर्न द सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए, वेयर यू प्लान ऑन प्लांटिंग, प्लांटिंग पे प्लान करने के लिए और फॉर रिमूविंग वीड्स. इन स्मॉल फ्लावर और वेजिटेबल गार्डन इट कैन ऑल्सो बी यूज लाइक अ स्मॉल प्लो टू डिग द प्लांटिंग रो, प्लांटिंग रो की डिगिंग के लिए. थ्री टिंड हैंड हो, इट इज़ यूज फॉर वीडिंग पर्पज़, ये भी वीडिंग पर्पज़ में यूज किया जाता है. इन लाइन सो क्रॉप इन स्टैंडिंग पोजिशन, लाइन सो क्रॉप की स्टैंडिंग पोजिशन के लिए. नेक्स्ट आते हैं स्नैप स्नेक स्प्रेयर, नैप स्नेक स्प्रेयर क्या होता है, इट इज स्प्रेइंग ऑपरेटर, एक तरह का स्प्रेइंग ऑपरेटर दिख रहा है हमें. कंसिस्टिंग ऑफ अ नैप सेक टैंक टुगेदर विद प्रिस्यूजिंग डिवाइस, एक तरह का प्रिस्यूजिंग डिवाइस है बच्चों. लाइन एंड स्प्रेइंग नोजल्स होती हैं इसके पास, यूज चीफली इन वायर कंट्रोल एंड इन स्प्रेइंग फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रेइंग के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ रहे हैं हम रॉकर स्प्रेयर. रॉकर स्प्रेयर क्या है, इट रिक्वायर्ड टू वर्कर्स, इसमें दो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ सुटेबल, दिख रहा है हमें, बोथ फॉर स्मॉल एंड लार्ज स्केल स्प्रेयरिंग. अब मैं स्प्रे करने के लिए जो जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ बच्चों. पहला टूल मैंने आपको बताया था कौन सा, नैपसैक स्प्रेयर. नेक्स्ट मैं बता रही हूँ रोकर स्प्रेयर. ठीक है, इट इज़ सुटेबल बोथ फॉर स्मॉल एंड लार्ज स्केल स्प्रेयरिंग ऑन फील्ड क्रॉप और ऑर्चार्ड टी कॉफ़ी रबर प्लांटेशन. इट डेवलप मैक्सिमम प्रेशर विद लेस नंबर ऑफ स्ट्रोक, मैक्सिमम प्रेशर रहता है लेस नंबर ऑफ स्ट्रोक के साथ. इट इज़ यूज फॉर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है हैंड स्प्रेयर. इट इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इन स्मॉल बड ऑफ वेजिटेबल फ्लावर्स एंड नर्सरी, ये घर में भी हम लोग बच्चों यूज करते हैं. हैंड रोटरी डस्टर क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर डस्टिंग द पेस्टिसाइड डस्ट, पेस्टिसाइड को की डस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं. फुट स्प्रेयर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वर्कर फॉर ऑपरेशन. वन ऑपरेट द पंप, एक पंप को ऑपरेट करता है, अनदर ऑपरेट द नोजल, दूसरा नोजल को ऑपरेट करता है. द स्प्रे लिक्विड इज फिल्ड इन अनदर कंटेनर विच पासिस थ्रू द पंप टू द नोजल. इट इज़ सुटेबल फॉर स्प्रेइंग इन द फील्ड एज वेल एज ऑन द ट्री, ट्री गार्डन और गार्डन्स में इसको स्प्रे करने में यूज करते हैं. ये क्या है, सिकल, और इसका एक नाम और है बैगिंग. बैगिंग हुक जो होता है इज अ हैंड हैड एग्रीकल्चर टूल डिजाइन विद वेरियस कर्व्ड ब्लेड, काफ़ी सारी कर्व्ड ब्लेड्स होती हैं एंड टिपिकली यूज फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है. रीपिंग ग्रेन क्रॉप, कटिंग सकुलेंट फॉरेज चीफली फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक.
either freshly cut or dried एज ही. नेक्स्ट आ रहा है बच्चों कटिंग एज. कटिंग एज क्या है? मैंगो हार्वेस्टर, सॉरी इसमें कटिंग एजेस होते हैं. मेनली इसका नाम क्या है? मैंगो हार्वेस्टर. इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लेड, इसके पास दो ब्लेड होती हैं. नेट बास्केट होती है, अ लॉन्ग हैंडल होता है. द ब्लेड इज स्प्रिंग ऑपरेट. द हार्वेस्टेड मैंगो इज कंट्रोल्ड इन द नेट बास्केट. नेट बास्केट में ये कट लगाता जाता है और उस इस नेट में मैंगो आते जाते हैं. ड्यू टू लॉन्ग हैंडल द फ्रूट इज हार्वेस्टेड ईजीली. व्हील बैरो, इट इज़ यूज फॉर केयरिंग नर्सरी प्लांट. नर्सरी प्लांट की केयरिंग के लिए यूज किया जाता है. कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, लीफ लीटर, वन प्लेस एक्सेट्रा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन. लॉन मोवर, अ लॉन मोवर इज अ मशीन यूटिलाइजिंग वन और मोर रिवॉल्विंग ब्लेड. इसके पास एक और एक से ज़्यादा रिवॉल्विंग ब्लेड होती हैं. टू कट अ ग्रास, ग्रास को कट करने के लिए. सरफेस टू एन इवन हाइट. टू मेन स्टाइल ऑफ ब्लेड आर यूज इन लॉन मोवर. लॉन मोवर में टू मेन स्टाइल ऑफ ब्लेड को यूज किया जाता है. लैडर्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट एंड ऑल्सो द प्रूनिंग ऑफ लार्ज ट्री. फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं लैडर्स. फिर आते हैं हैज कटर्स. द हैज ट्रिमिंग, सब ट्रिमिंग, ट्रिमिंग करने के लिए बुश ट्रिमिंग इज अ गार्डनिंग टूल और मशीन यूज फॉर ट्रिमिंग. मेनली ट्रिमिंग के लिए यूज करते हैं. हैजेज और सॉलिटरी सर्व्स डिफरेंट डिजाइन एज वेल एज मैनुअल एंड पावर्ड वेरियस ऑफ हैजेज ट्रिमर्स एग्जिस्ट. फिर आता है इंडियन प्लग. सिंपल इंडियन प्लग जो होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेड. बेड की प्रिपरेशन के लिए, फॉर सोइंग एंड प्लांटिंग. इट्स बेसिक सच एज सॉइल बोरर एंड सॉइल टर्निंग. नेक्स्ट होता है मोल्ड बॉड प्लग. मोल्ड ब्रॉड प्लग क्या? इट इज़ डिजाइन टू वर्क इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल. हर तरह की सॉइल में ये वर्क करता है. फॉर फंक्शनिंग सच एज सॉइल को ब्रेक करने के लिए, उसको रेंजिंग के लिए और इन्वर्जन्स के लिए. द प्लग हैज स्पेशल वियर. वियर्स होते हैं इनके पास रेजिस्टेंट स्टील बॉटम विद पॉइंटेड फॉर टफेस्ट प्लग जॉब. इट कैन हैंडल द टफेस्ट प्लगिंग जॉब विद एक्सीलेंट पेनिट्रेशन. बहुत सारी एक्सीलेंट पेनिट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये हाइड्रोलिक टर्न ओवर मशीन. फिर आता है डिस्क प्लग. डिस्क प्लग यूज फॉर डीप प्लगिंग इन रूट इन्वेस्टेड. डिस्क प्लग जो होता है मेनली यूज किया जाता है डीप प्लगिंग में. रूट इन्वेस्टेड स्टिकी स्टोनी एंड हार्ड सॉइल मिक्स रिमेन ऑफ क्रॉप एंड वीड्स थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द प्लगिंग. हैंस इट इज़ आइडियल फॉर रेन फेड. रेन फेड एरिया फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड. वाटर और विंड के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिस जगह पर सॉइल इरोजन होता है. चीजल प्लग्स क्या होते हैं? चीजल प्लग्स इज कॉमन टूल टू गेट डीप टीलेज. डीप टीलेज के लिए चीजल प्लग्स जरूरी होते हैं विद लिमिटेड सॉइल डिस्ट्रप्शंस. द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्लग इज ऑफ लूजन एंड इरिगेटेड एरिएट्स द सॉइल वाइल लिविंग क्रॉप रेसिड्यू एट द टॉप ऑफ द सॉइल. दिस प्लग कैन बी यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन एंड टू हेल्प ब्रेकअप द प्लग प्लफन एंड हाफन हार्डफन. अनलाइक मैनी अदर प्लग्स द चीजल विल नॉट इन्वर्ट और टर्न द सॉइल. ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजल प्लग. फिर आते हैं सब सॉइलर. सब सॉइलर कैन ब्रेक अप. सब सॉइलर क्या ब्रेक कर रहा है? बीनीथ द सर्फेस, सर्फेस के नीचे की तरफ उसको ब्रेक करने में हेल्पिंग एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर. स्टैंडिंग वाटर को एलिमिनेट क्या हेल्पिंग एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर के एलिमिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है, फिर आते हैं हम रोटावेटर. रोटावेटर क्या होता है बच्चों? यूज टू सेट ऑफ ब्लेड्स. इसके पास बहुत सारे ब्लेड्स हैं और रूटर्स हैं विच स्पाइन एंड ब्रेक थ्रू आउट थ्रू द सॉइल. सॉइल्स में स्पाइन्स और ब्रेक्स करने के लिए. दिस इम्प्रूव ड्रेनेज. ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है. लेवल ऑफ एरिया को इम्प्रूव कर रहा है. मेक्स द ग्राउंड परफेक्ट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल एंड क्रॉप. डिस्क हॉरो. डिस्क हॉरो इज अ फार्म इम्प्लीमेंट दैट इज यूज टू टिल द सॉइल वेयर क्रॉप आर टू बी प्लांटेड. जिस जगह पर हमें क्रॉप को प्लांट करना है उसके लिए यूज होती है, उसको टिल्ट करने के लिए. इट इज ऑल्सो यूज टू चॉप अप अनवॉन्टेड वीड्स. अनवॉन्टेड वीड्स को हटाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. फिर आता है लेवलर. इट इज़ यूज टू लेवल द लैंड. फिर आता है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर आर यूज टू ब्रेकअप सॉइल. सॉइल को ब्रेकअप करने के लिए. और फेरिएबल ऑफ सॉइल. इट इज़ सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट होता है. बंड फार्मर. इट इज़ यूज फॉर बंड मेकिंग. बंड मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम.
हॉरो, हॉरो क्या होता है, इज अ फार्म टूल, इट इज एन इम्प्लीमेंट फॉर ब्रेकिंग अप एंड स्मूथिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द सोइल, सॉइल को ब्रेक करने के लिए और स्मूथ करने के लिए. इन दिस वे इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉर्म अ प्लो विच कट्स डीपर इन टू द सॉइल, सॉइल को डीप तक वो कट कर देता है. अ प्लो ऑल्सो लिफ्ट अप द सॉइल एंड टिप इट ओवर, बट अ होरो वर्क्स मोस्टली बाय कटिंग इन टू द सॉइल एंड ब्रेकिंग इट अप. ठीक है, तो ये हो गया होरो. फिर आते हैं हम थ्रेसर. थ्रेसर क्या होता है, थ्रेसिंग मशीन एंड थ्रेसर्स इज अ पीस ऑफ फार्म इक्विपमेंट, एक तरह का फार्म इक्विपमेंट है. डेट थ्रेसर्स ग्रेन, ग्रेन की थ्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है. दैट इज इट रिमूव्स द सीड्स फ्रॉम द स्टॉक, स्टॉक से सीड्स को रिमूव करने के लिए और हस को रिमूव करने के लिए. फिर लास्ट आगे बच्चों हमारे दो, क्रॉप रीपर्स और सीड ड्रिल्स. क्रॉप रीपर्स क्या होते हैं, रीपर्स इज अ फार्म इम्प्लीमेंट और पर्सन दैट रीप क्रॉप एट हार्वेस्ट. हार्वेस्ट में क्रॉप की रीपिंग के लिए यूज किया जाता है व्हेन दे आर राइप, जब वो पक जाते हैं. सीड रीपर्स क्या होते हैं, इट इज अ मशीन दैट इज सोन, ये एक तरह की मशीन है जो क्या शो कर रही है, द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस, कि सीड जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए एंड प्रॉपर डेप्थ में होने चाहिए, और ये इंश्योर करती है कि सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल, कि वो सॉइल से कवर्ड हो गए हैं एंड आर सेव्ड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, कि वो प्रॉपर रूप से सॉइल से जब कवर हो गए हैं तो वो सेव हो जाते हैं कि बर्ड्स उनको नहीं खाते. तो बेटा ये पूरे हमारे फार्म इम्प्लीमेंट्स हो गए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी ये यूनिट ख़त्म हो गई है. अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 7. ठीक है, वो आपकी लास्ट यूनिट है.